नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम्स मीन्स अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो ये हमारे पास बॉडी का मास कितना है उसकी वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम आती है। इस तरीके से मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग जंप करना है किसी बच्चे ने तो क्या करते हैं हम पीछे से रनिंग करके आते हैं। खड़े खड़े तो नहीं जंप करते, खड़े खड़े कर सकते हैं बट वो कम जंप कम दूर तक हम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, लॉन्ग जंप इतना आपका नहीं आ पाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम मास तो बॉडी का उतना ही रहेगा, स्पीड को बढ़ा देते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो मोमेंटम भी आपका बढ़ जाएगा। इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज आप बढ़ा देते हो मास और वेलोसिटी से एक्चुअली आपका मोमेंटम इंक्रीज कर जाता है। तो इसी तरीके से फास्ट बॉलर होता है हमारे पास क्रिकेट में, तो वो बॉल कैसे फेंकता है, रनअप लेता है ना। सो रनिंग क्यों करता है वो पहले रनअप क्यों रनअप पे क्यों जाता है, बिकॉज टू इंक्रीज द मोमेंटम, उसकी बॉल का मोमेंटम इंक्रीज करना है उसने। कैसे इंक्रीज करेंगे वो आप स्पीड से, स्पीड इंक्रीज कर दोगे तो आपके पास मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। सो मास दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहां पे आपने सिर्फ अभी हमने डेफिनेशंस नहीं याद करनी, सिर्फ इनका डायमेंशन फॉर्मूला कर रहे हैं। मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m1, वेलोसिटी के लिए l1 t माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया m1 l1 t माइनस 1। इसकी SI यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, इसकी SI यूनिट हमारे पास रहेगी, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। मास की जगह पे किलोग्राम पुट अप करेंगे, लेंथ की जगह पे मीटर और टाइम की जगह पे सेकंड, तो सेकंड इनवर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके पास इसकी SI सिस्टम की यूनिट या CGS यूनिट रहेगी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा हमारे पास m1 l1 t माइनस 1। डायमेंशंस निकालनी है तो डायमेंशंस क्या रहेगी हमारे पास इसकी m1 सॉरी डायमेंशन निकालनी हो तो 1 1 माइनस 1। ये आपके पास डायमेंशंस है और ये निकाला आपने डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट। यदि आप मोमेंटम इज इक्वल टू दिस मच ये लिखोगे दिस इज डायमेंशनल इक्वेशंस। तो ये आपके पास SI सिस्टम की यूनिट है। CGS की निकालनी हो तो मास की जगह पे ग्राम, लेंथ की जगह पे सेंटीमीटर, टाइम की जगह पे सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी तरीके से FPS में निकालनी हो तो पाउंड फुट पर सेकंड। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इनकी यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास लेते हैं फोर्स, बल भी बोलते हैं जिसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली इट इज फाउंड दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास और एक्सेलेरेशन की मल्टीप्लीकेशन होती है हमारे पास, दैट विल कम आउट फोर्स। एक्सेलेरेशन हमारे पास अभी डायमेंशन फॉर्मूला किया था हमने, यह आया था आपके पास m0 l1 t माइनस 2। सो टोटल आ गया आपके पास m1 l1 t माइनस 2। यूनिट SI यूनिट क्या रहेगी हमारे पास इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये SI यूनिट है। इसका एक सिंपल सिंगल नेम भी है, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS में निकालना हो तो ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 dyne। सो इस तरीके से हम इसकी SI और CGS यूनिट सिंगल नेम भी आपने याद रखना है इनका। CGS सिस्टम की यूनिट क्या है फोर्स की, दैट इज dyne।
एसआई सिस्टम की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। तो इस तरीके से आपने फोर्स, आपको डेफिनेशंस पता है, वो धक्का या खिंचाव जो बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है। रेस्ट में तो बॉडी मोशन में ले आए, मोशन में तो रेस्ट में ले आए, लेकिन अभी हमें डेफिनेशंस नहीं याद करनी, अभी सिर्फ आपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद करना है। तो सेकंड चैप्टर में वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशंस। तो फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास के लिए m1, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हमारे पास, l1t-2। तो आपके पास फोर्स के लिए आ गया m1 l1t-2, कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला ये आपका फोर्स का रहा। और इसकी यूनिट्स क्या हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको हम सिंगल बोलते हैं, 1 न्यूटन, यानी 1 किलोग्राम मास के ऊपर यदि हम उसके अंदर कितनी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर दें, 1 मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम 1 न्यूटन के बराबर बोलते हैं। तो अभी वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये यूनिट याद करनी है इसकी, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की, दिस इज इक्वल टू डाइन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे पास सीजीएस यूनिट रहेगी हमारे पास फोर्स की।